जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019-20 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, विभाग द्वारा जिलेवार वैकेंसियों का ब्यौरा डाल दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस जिले से कितनी वैकेंसी खाली है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप जिले वाई वैकेंसियों का ब्यौरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से और अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ना भूलें दोस्तों। यहाँ पर MP पुलिस भर्ती से लेकर बड़ा रिलेटेड और बड़ा नोटिफिकेशन डला हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा जिले वाइज सभी ज़िलों का वैकेंसियों का डिटेल, कितनी वैकेंसी कहाँ पर, कितनी वैकेंसी खाली है, जो कि पुलिस मुख्यालय MP द्वारा डाला गया था दोस्तों। यहाँ पर जो मीटिंग चली गई थी दोस्तों, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि यहाँ पर जनवरी लिए जाएंगे और साथ में दिसंबर के अंतिम वीक में आपके नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जो नोटिफिकेशन डला हुआ है वो नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिले वाइज वैकेंसियों का नोटिफिकेशन है दोस्तों। चलते हैं नोटिफिकेशन पर दोस्तों। तो दोस्तों, हमने डाउनलोड कर रखा है ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, पूरी तरह से MP पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था दोस्तों। यहाँ पर हमने डाउनलोड कर रखा है, हमने जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों, पूरी तरह से हमने डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें कॉमेंट कीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019-20 में कुल बैकलॉग पर पड़े हुए खाली पदों का विवरण। जिले वाई 22,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ से आया बड़ा नोटिस, सभी जिलों ने दिया खाली पदों का विवरण। इस प्रकार सबसे अधिक खाली पदों का विवरण भोपाल जिले में, इंदौर जिले में। विभाग भर्ती को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। वर्तमान प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा जा चुका है। खाली पदों का विवरण प्रस्ताव के लिए मंजूरी मिलने के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, भोपाल जिले पुलिस मुख्यालय में 1350 वैकेंसी खाली, अशोकनगर पुलिस मुख्यालय में 90 वैकेंसी खाली, अनूपनगर पुलिस मुख्यालय में यहाँ पर 181 वैकेंसी खाली है दोस्तों, बालाघाट पुलिस मुख्यालय में 215 वैकेंसी खाली है दोस्तों, बड़वानी पुलिस मुख्यालय में 120 वैकेंसी खाली है, बैतूल जिला पुलिस मुख्यालय में यहाँ पे 210, भिंड जिला पुलिस मुख्यालय 200 वैकेंसी खाली है, बुरहानपुर जिला पुलिस मुख्यालय 225 वैकेंसी खाली है, हरदा पुलिस मुख्यालय में 240 वैकेंसी खाली है, गुना जिला पुलिस मुख्यालय में 230 वैकेंसी खाली है, पन्ना जिला पुलिस मुख्यालय में 180 वैकेंसी खाली है दोस्तों। यहाँ पर अलराजपुरा में यहाँ पर 230 वैकेंसी खाली है, छिंदवाड़ा जिले में यहाँ पर 300 वैकेंसी खाली है, दतिया जिले में पुलिस मुख्यालय में 180 वैकेंसी खाली है, देवास जिले पुलिस मुख्यालय में 200 वैकेंसी खाली है, दमोह जिला पुलिस मुख्यालय में 250 वैकेंसी खाली है, देवास जिला पुलिस मुख्यालय में 200 वैकेंसी खाली है, धार जिला पुलिस मुख्यालय में 300 वैकेंसी खाली है, रायसेन जिला पुलिस मुख्यालय में 218 वैकेंसी खाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो लंबा न बने इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस मुख्यालय जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो किया है जिले वाई वैकेंसियों का, वो नोटिफिकेशन आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी साइट पर डाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित पूरी डिटेल पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए दोस्तों। रायसेना जिला पुलिस मुख्यालय में 218 वैकेंसी खाली है, ग्वालियर जिला पुलिस मुख्यालय में 250 वैकेंसी खाली है, ढिंडोरी जिला पुलिस मुख्यालय में यहाँ 105 वैकेंसी खाली है, मुरैना जिला पुलिस मुख्यालय में 200 वैकेंसी खाली है, खगरौन जिला पुलिस मुख्यालय में 250 वैकेंसी खाली है, खंडवा जिला पुलिस मुख्यालय में यहाँ 300 वैकेंसी खाली है, मंडवा जिला पुलिस मुख्यालय में 180 वैकेंसी खाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये जो न्यूज है किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई है दोस्तों, लेकिन अभी तक ये न्यूज किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई है। सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए जिले वाई वैकेंसियों के ब्यौरा सबसे पहले लेकर आया है दोस्तों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक जरूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मंदसौर जिले पुलिस मुख्यालय में 300 वैकेंसी खाली है, राजगढ़ जिला पुलिस मुख्यालय में 205 वैकेंसी खाली है, इंदौर जिला पुलिस मुख्यालय में 600 वैकेंसी खाली है, जबलपुर पुलिस मुख्यालय में यहाँ पर 500 वैकेंसी खाली है, झाबुआ जिला पुलिस मुख्यालय में 460 वैकेंसी खाली है, कटनी जिला पुलिस मुख्यालय में 450, टीकमगढ़ में शहडोल जिला पुलिस मुख्यालय में 200 वैकेंसी खाली है, शाहजहाँपुर जिला पुलिस मुख्यालय में 240 वैकेंसी खाली है, शिवपुर जिला पुलिस मुख्यालय में 400 वैकेंसी खाली है, शिवपुरी जिला पुलिस मुख्यालय में 400 वैकेंसी खाली है दोस्तों। यहाँ पर सिंधी जिला पुलिस मुख्यालय में 160 वैकेंसी खाली है और सिंगरौली जिला पुलिस मुख्यालय में 245 वैकेंसी खाली होने का पूरा प्रस्ताव है वो जारी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर सभी जिलों का आप सबसे पहले तो वैकेंसी है वो 1350 वैकेंसी है वो भोपाल जिले में है दोस्तों। अगर आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन रात 8 बजे हम आपसे लाइव होते हैं दोस्तों। वहाँ पर प्रश्नों पर डिस्कस किया जाता है, जो प्रश्न एग्जामों में आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे नेशनल संबंधी एग्जाम हो, चाहे वे आप पुलिस संबंधी प्रश्नों का
समावेश हो, उन सभी प्रश्नों का लाइव में जवाब दिया जाता है आप लोगों द्वारा। दोस्तों उन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। रोज़ हमारे साथ लाइव बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और रोज़ ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हो घर बैठे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।